हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं राज गौतम, आप सभी अपने व्यूअर्स का स्वागत करते हैं हमारे बिल्कुल ही एक फ्रेश कमाल वीडियो में। दोस्तों, जब मैंने अपना बेस्ट बुक क्लास 8 और क्लास 9 का डाला तो उसे आप सभी ने बहुत पसंद किया। आपके इस प्यार के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, मैं आपका थैंक यू कहता हूँ। और आपके मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आने लगे कि मैं आपको बेस्ट बुक क्लास 6 का बताऊँ, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बेस्ट बुक क्लास 6 के बताने वाला हूँ, जिसे पढ़ के आप अपने स्कूल एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर तो कर सकते हैं, और जो क्लास 6 में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे CHS, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, उनमें भी बहुत ही अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव साबित होने वाला है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारे वीडियो पर। तो सबसे पहले हम मैथ्स के ऊपर आते हैं। दोस्तों, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सभी स्टूडेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं मैथ्स के जो उन्हें बिल्कुल ही समझ में नहीं आ पाते हैं। तो सबसे पहले हम मैथ्स के लिए साइड बुक और बेस्ट बुक देख लेते हैं। तो मैथ्स सब्जेक्ट में जो आपकी फर्स्ट बुक है वो है एवरग्रीन पब्लिकेशन की सेल्फ स्टडी इन मैथमेटिक्स। दोस्तों, ये एवरग्रीन पब्लिकेशन की बुक है जो कि काफ़ी अच्छी बुक मानी जाती है क्लास सिक्स के लिए। इस बुक में आपको ये खास बात है कि आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाते हैं जो कि आपको अपने समेटिव्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि CHS और सैनिक स्कूल में हेल्प करेंगे। इस बुक की एक ये बड़ी बात खासियत है कि ये बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको दिया गया है। इस बुक की जो लैंग्वेज है वो बहुत ही ईजी और फ्रेंडली है, तो अगर आप सेल्फ स्टडी भी करें जैसा कि इस बुक का नाम है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको हर एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही ईजिली समझ आएगा। और इस बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए गए हुए हैं क्वेश्चंस के, तो आप अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप उसे प्रैक्टिस करके अपने आप को परफेक्ट बना सकते थे। तो ये थी हमारी फर्स्ट बुक मैथ्स के लिए। अब हम आते हैं अपनी सेकंड बुक की तरफ, जो कि है MTG पब्लिकेशन की NCERT ऑन फिंगर टिप। दोस्तों, ये बुक भी बहुत ही अच्छी और प्रेफर्ड बुक है। इसमें आपको सबसे बड़ी बात कि NCERT जो आपकी बुक है उसके सभी क्वेश्चंस के आंसर्स और एग्जांपल मिल जाएंगे, और इस बुक में बहुत सारे टिप और ट्रिक्स भी दिए गए हुए हैं जो कि आपको अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और ओलंपियाड्स में बहुत ही मदद करेंगे। और इस बुक की एक ये खास बात है कि इसमें भी बहुत सारे MCQs और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आप अगर अपने एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहें तो इस बुक से इजीली अपनी तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, मैथ सब्जेक्ट के लिए आप ये दो बुक जो एक सेल्फ स्टडी इन मैथमेटिक्स एवरग्रीन की है और एक MTG पब्लिकेशन की, ये दो बुक मेरे नज़र में बेस्ट है, आप इसे लेके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये थी हमारी मैथ्स की बेस्ट रेफरेंस बुक्स। तो हमने मैथ्स के बेस्ट रेफरेंस बुक्स तो देख ली हैं, अब हम आते हैं साइंस की तरफ कि साइंस में आपको कौन सी बुक्स लेके पढ़नी चाहिए। तो साइंस एक बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है जो कि हर स्टूडेंट को पसंद आता है, लेकिन साइंस में भी कुछ स्टूडेंट को मुश्किल फेस करनी पड़ती है। तो हम देख लेते हैं कि साइंस के लिए हमें कौन से बुक्स लेनी चाहिए। तो हमारी फर्स्ट बुक है SCHN पब्लिकेशन की साइंस फॉर क्लास 6। दोस्तों, SCHN पब्लिकेशन की ये बुक सही मायने में एक बेस्ट बुक कहलाती है। इसमें आपको आपके जो कॉन्सेप्ट है उसमें डायग्राम और फिगर दिए हुए हैं, भर भर के दिए हुए हैं, जिससे आपको अपने कॉन्सेप्ट को समझने में ईजी पड़ेगा। और इसमें आपको वैल्यूएबल क्वेश्चंस भी हैं जो कि आपको अपने एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। और इस बुक की एक ये खास बात है कि इसमें आपको आपके सभी चैप्टर्स को बिल्कुल ही शॉर्ट में और बिल्कुल ही ईजी करके समझाया गया है, आपको ज़्यादा लेंदी नहीं पड़ेगा ये बुक। आपका एक चैप्टर ज़्यादा पेजेस में नहीं है, बस 2 या 4 पेजेस में आपको इसमें करके दिया हुआ है, तो आपको ये बहुत ही पसंद आएगी। तो साइंस के लिए हमारी फर्स्ट बुक SCHN पब्लिकेशन की रिकमेंडेड है, मैं आपको इसे रिकमेंड करूंगा। हमारी नेक्स्ट बुक है अरिहंत पब्लिकेशन की ऑल इन वन साइंस फॉर क्लास 6। दोस्तों, अरिहंत पब्लिकेशन इस देश का जाना माना और एक अच्छा पब्लिकेशन माना जाता है। अगर हम इस बुक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखें तो इसमें आपको NCERT के सभी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे जो कि आपको बहुत ही मदद करेंगे। और इस बुक में आपको अपने सभी चैप्टर जैसे इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट, वाटर, एयर अराउंड अस, लाइट, शैडो, रिफ्लेक्शन, इन सभी को बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाया गया है, तो आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी कॉन्सेप्ट समझने में, और आपको साइंस बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट लगने लगेगा। और इस बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं प्रैक्टिस करने के लिए, जिससे आप अपने एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये थी हमारी साइंस की बेस्ट रेफरेंस बुक्स। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बेस्ट बुक ऑफ क्लास 6 के बारे में बताया।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और क्लास सिक्स में आप अच्छा स्कोर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट लाता रहता हूँ। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इससे हेल्प मिल सके। हम मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। गुड बाय।